शार्क्स 2017 में हमें समझ आ चुका था कि हमने कुछ तो फोड़ दिया है और कुछ ऐसा फोड़ दिया जिसकी वजह से हमने हमारी यूएसए की शानदार जिंदगी, आईबीएम की अच्छी खासी नौकरी, सामने से मिलने वाला ग्रीन कार्ड सब कुछ छोड़ दिया। इंडिया आ गए अपने एक सपने से पूरी दुनिया बदलने। आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया हमने, तो हमने बच्चों के गेम्स को लर्निंग एप्स में कन्वर्ट करा और उनकी पढ़ाई को गेमिफाई करके ऐसे कई सारी एप्स मार्केट में लॉन्च करी। प्रेजेंटिंग यू गुंजन ऐप। नमस्ते, मैं हूँ सौरभ गुप्ता। और मैं गुंजन गुप्ता। हम हैं कोलकाता से। हम हैं इंडिया की सबसे बड़ी किड्स गेमिंग कंपनी के को-फाउंडर। गुंजन एप्स 40 से ज्यादा बच्चों के गेम्स और एप्स की एक ऐसी सीरीज है जहां 1.5 साल से 12 साल के बच्चों को हम इंग्लिश, मैथ्स, पजल्स, वर्कआउट, ऐसी कई सारी चीजों को गेम्स के द्वारा बनाकर मजेदार तरीके से सिखाते हैं। जब मैं अपने बेटे के लिए इस तरह की लर्निंग एप्स खोज रही थी, तब मुझे पता चला कि इस तरह की एप्स मार्केट में है ही नहीं, और जो भी थी उनका सब्सक्रिप्शन बहुत ही एक्सपेंसिव था एंड उसको चलाने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत थी। तब हमने सोचा क्यों ना हम ही ऐसी एप्स बनाएं जो दुनिया के किसी भी स्मार्टफोन पर चले, वो कम्प्लीटली ऑफलाइन हो और सबसे बेस्ट बात फ्री में हो। ये सफर हमने 2016 में एक ऐप से शुरू किया था और आज हमारे पास 40 से ज्यादा ऐप्स हैं, 200 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। हमारा विजन है गुंजन ऐप्स को दुनिया के हर बच्चे तक पहुंचाना। और इसी विजन को पूरा करने के लिए हमारी आस्क है 2.5 करोड़ इन एक्सचेंज ऑफ 1% इक्विटी। 250 करोड़। सो शार्क्स, आर यू रेडी? चलिए गुंजन ऐप्स को बनाते हैं हर बच्चे का कंपेनियन। आप शार्क टैंक पे आए, पता है ना आपको? यस। और आप इंडिया वाले में हो? हाँ। यूएस वाले में नहीं हो? सर ये भी तो उसी को टक्कर दे रहा है और क्या कर रहा है। गुड आंसर, अब अच्छा लग रहा है। चलो सौरभ, गुंजन, गुड यार, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। तो आप दोनों यूएस से पहले क्या इंडिया में ही स्टार्ट की थी लाइफ या यूएस में ही की थी? मैं कोलकाता के पास हावड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां से पला बड़ा हूँ। अरे वाह। और वहीं से मैंने अपनी इंजीनियरिंग वगैरह करी और उसके बाद मेरा प्लेसमेंट सीधे L&T मुंबई में हुआ था एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यहाँ कुछ टाइम काम किया, देन आई वॉज ट्रांसफर टू पुणे। वहाँ से मैं यूएस गया, 4 साल रहे। तब थोड़ा सा ये रियलाइज हुआ कि नहीं, खुद का कुछ करते। कीड़ा तो बचपन से था, मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस ही है, तो मैंने पापा के साथ दुकान पे, उनके गोडाउन पे काफी काम किया हुआ है। गुंजन अपनी स्टोरी बताओ। मैं यूपी के एक छोटे से शहर ललितपुर से आई हूँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक नई टेक्नोलॉजी से हुक्ड अप हो जाऊं। तो मैंने एक एंड्रॉइड, जब लेटेस्ट आया था, सो मैंने वो 6 मंथ्स का कोर्स पुणे से किया। आपके बच्चे हैं? वो बच्चे की वजह से ही हमारा ये बिजनेस आईडिया आया। बताइए उसके बारे में। हुआ क्या कि हम यूएस में थे और हमारा बेटा उस टाइम बॉर्न हो चुका था, लगभग 1.25 साल का था। तो ये गर्ल्स पार्टी में गई हुई थी। तो मैंने मेरे फ्रेंड को कॉल लगाया, भाई तेरी भी बीवी तो गई हुई है, चल हम लोग ही साथ में हो लेते हैं। मेरे फ्रेंड ने बोला, यार इसका क्या करें अब? इसका क्या करें? चिंता करने की बात नहीं है, एक टीवी चला के इसको बिठा देते हैं और हम। आप बहुत एंटरटेनिंग है। इसका क्या करें? नहीं नहीं, होता है होता है होता है। उसको टीवी के सामने हमने बिठा दिया, मैंने बोला कुछ राइम्स वगैरह लगा देते हैं और उसमें तो ऑटो प्ले होता रहता है। तो वो बैठा हुआ था और हम पीछे बातें वगैरह कर रहे थे, तभी मेरा फ्रेंड आया, बोला कि यार तुमने तो इसको ABCD 1 2 3 सब सिखा दिया, ये तो बड़ा छोटा बच्चा है। मैंने बोला नहीं, मैंने तो नहीं सिखाया। मैंने बोला कौन सा वीडियो चलाया था? चला, फिर उसने बैक करके वीडियो चलाया तो मेरा बेटा वहां देख के रिकॉग्नाइज कर रहा है 2 3।
तुमने तो ये सिखाया ही नहीं इसको। उस टाइम वो कलर्स भी सीख गया था। तब मेरे लगा है बड़ा प्राउड से फील हुआ। मैंने बोला हाँ भाई देखो मेरा बेटा है। इसका क्या करे से सीधा मेरा बेटा। फिर ये करीब 12 बजे करीब आई तो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन मतलब कुछ नहीं पूछा। मैंने बोला यार तुमने तो इसको 1 2 3 ABCD कब सिखा दिया। बोली मैंने कहाँ सिखाया इसको। तब हम दोनों के लिए शॉकिंग था कि ये हुआ कैसे। देन शी सेड कि एक्चुअली ये एक ऐसे ही एक POC पे काम कर रही थी जिसमें उसने ABCD की बहुत ही सिंपल सी ऐप डेवलप कर रही थी। तो उन्हें टैप करते करते सीख गया। दैट वॉज आर यूरेका मोमेंट कि यार हमने फोड़ा है, हमने कुछ फोड़ दिया है कुछ। ये प्रॉब्लम जो है बिना पेरेंट के अगर बच्चा सीख जाता है और ये मेरा बच्चा सीख रहा है तो दुनिया का सारे बच्चे सीख सकते हैं। हमने एज अ टेस्ट उस ऐप को ना उसी समय लॉन्च कर दिया जैसी थी वैसी की वैसी। जॉब छोड़े आपने इसको सैंपल कर दिया कि जॉब भी चल रही है। राइट डेमो दिखाइए। ये बंदा इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा। आप अपनी कभी कोई बॉयज पार्टी कर रहे हो तो बुला लेना। ओके तो सर बहुत सारी एप्स हैं, बहुत वैरायटी है, मैथ्स है, कलरिंग बुक्स है, बट मैं आपको एक ऐसी ऐप दिखाने वाला हूँ जिस वर्जन से मेरे बेटे ने 1 2 3 सीखा था, मैं आपको वो दिखाता हूँ। Although वो उतना इंटरैक्टिव नहीं है। So cute. कोई 1.5 साल का बच्चा भी है ना तो वो भी इससे सीख सकता है। बहुत ही सिंपल। मतलब उन्हें नंबर पे टच करना है। टच करना है। As a parent, अगर मुझे मेरे बच्चों का स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना है स्पेशली एट अ यंग एज तो आपके इसके बारे में क्या विचार? नंबर 1 चीज जो ये है कि कोविड ने सबसे पहले तो बच्चों का स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। जैसे कि बिफोर कोविड 9 मिनट स्क्रीन टाइम हुआ करता था पहले बच्चों का पर डे पर चाइल्ड 9 मिनट हुआ करता। डिपेंड्स ऑन द एज। ये 2 to up 10 years समझ लो काइंड ऑफ। जैसे ही कोविड आया दिस इंक्रीज टू 60 मिनट्स mostly because of the classes going on and all those things. Jo reports hum dekh rahe hain un reports ke according this is not going back. All the schools khul chuke hain. Ha 60 minutes se 45 minutes hua hai but aisa nahi hai ki hum wapas 9 minutes pe pahunch rahe hain. Correct. To hamara uddeshy ye hai ki hum na bahut hi quality screen time dena chahte hain. Main isse bilkul sehmat nahi hu क्योंकि मेरे दोनों बच्चे 2 to 10 की एज ग्रुप में हैं और आपने जो 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 गेम्स एंड जो जो लर्निंग एक्टिविटीज बनाई तो गेम में कोई मुझे तो कोई लर्निंग समझ नहीं आई और इतने एडिक्टिव बनाए हैं कि एक बार कोई उसमें घुस जाएगा तो वो बच्चा सेम चीज को ओवर एंड ओवर करते रहते, वो लर्निंग खत्म हो जाती है। एडिक्टिव नहीं बोल सकते आप इसको। बच्चा फ्री बैठा है ऑलवेज वो फोन मांगेगा ही, तो अगर आप डिवाइस दे रहे हो तो जो फालतू का कुछ देख रहा है उससे अच्छा मीनिंगफुल कुछ ही इज लर्निंग। हमने सिर्फ एक गेम आपको दिखाया है, हमारे पास 40 गेम है ऐसे। उसमें से जो हमारा नंबर 1 है वो है मैथ गेम, 60 मिलियन डाउनलोड्स है। अगर वो गेम इतना ही एडिक्टिव होता तो उसमें 3 लाख पॉजिटिव रिव्यूज नहीं होते। मैं इनसे थोड़ा एग्री करता हूँ। मैं बताता हूँ क्यों। अब अगर हमारे बच्चों को ना दो आईपैड, खाना नहीं खाते ठीक से, तो वो एक हैबिट बन चुका है, चाहे वो कोविड की वजह से बने। आई अग्री अवॉइड नहीं कर सकते। सौरभ आप जिस तरह से ये एप्स पेश कर रहे हैं आज, आप ऐसे पेश कर रहे हैं कि आपने कुछ रेवोल्यूशनरी खड़ा कर दिया। आपने ABC माउस के बारे में सुना है? आप यूएस में रह के आए, बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी। आपने ABC माउस जैसी एप्स को कॉपी करके उनको फ्री कर दिया। दूसरा आपने किडोपिया के बारे में सुना है? यस। इंडिया से पैदाइशी हुई है उसकी। यस। फ्रीमियम ऐप है, बिल्कुल आप जैसा जो आपने दिखाया। आपने एप्पी स्टोर का सुना है ना? यस। वो हमने बनाया, आप ये जानते हो? नहीं, ये तो नहीं पता है। थोड़ा रिसर्च किया होता तो मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। आपने जैसे बोला कि हमने कॉपी करा है ABC माउस को, वो बिल्कुल ही गलत। चलिए इंस्पिरेशन लिया। नो नो, नॉट इंस्पिरेशन, क्योंकि उसके पास ये मॉड्यूल्स ही नहीं है जो हमने डाले हैं। किडोपिया में ये गेम्स नहीं, मॉड्यूल्स नहीं सर, मॉड्यूल्स नहीं। मेरे से बाहर मिलना, मेरी 5 साल की बेटी है, वो बहुत खेलती है किडोपिया। एप्पी स्टोर में एग्जैक्टली है, इस दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, वो छोड़ दीजिए। ये आपने कैसे बोल दिया
कि उस वक्त कुछ नहीं था। ABC माउस iOS पे थी, एंड्रॉइड पे उनका बहुत ही, क्योंकि US मार्केट में iOS चलता है भाई, इसलिए। डोंट कंफ्यूज द इशू। हाँ, तो लेकिन एंड्रॉइड पे तो कुछ नहीं था। आपने ये नहीं कहा कि एंड्रॉइड, चलिए छोड़ दीजिए, ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट। मुझे आप अपना बिजनेस मॉडल बताइए, अपना रेवेन्यू बताइए और अपना टीम के बारे में बताइए। हमारा रेवेन्यू तीन स्ट्रीम से जनरेट होता है। पहला है एड्स, दूसरा है इन-ऐप परचेजेस, तीसरा है सब्सक्रिप्शन। एड से कितना रेवेन्यू है आपका? एड से हमारा लगभग 96% रेवेन्यू है। सब्सक्रिप्शन जस्ट हमने अभी थोड़े दिन पहले ही शुरू किया है, तो बट उससे भी हमारा लगभग 3% रेवेन्यू आना शुरू हुआ है। तो इन-ऐप परचेजेस ओनली 1%? ओनली 1%। कितना रेवेन्यू है आपका? लास्ट ईयर हमने 24 करोड़ किया था। इस साल अभी तक हमारा 8.5 हो गया 5 महीने में। तो गिर रहा है? गिर रहा है, उसके भी रीजंस हैं। पिछले महीने कितना किया? पिछले महीने हमने 1.45 CR किया। कोविड खत्म हो गया। कोविड खत्म हो गया तो लोग स्क्रीन टाइम कम हो गया। 24 करोड़ से पहले कितना था? 14.7। ठीक है, और इस साल 18 करोड़ मान लेता हूँ। पिछले साल प्रॉफिट कितना जनरेट किया आपने? पिछले साल हमारा ग्रॉस था 95%, एबिटा हमारा 21 CR था। एबिटा 21 CR था? Yes. ना, इसमें कॉस्ट है ही नहीं ना। You took home 21 CR. Net profit 15 CR में घर लेके गए। इस साल भी उतना ही प्रॉफिट चल रहा है लगभग परसेंटेज में। तो आपकी टीम है कोई अभी? हाँ, आप दोनों के अलावा? टीम है। We are 32 actually. 32 people. और मंथली सैलरी कितनी है? सालाना सैलरी कितनी है? अगर मैं हम दोनों को हटा दे रहा हूँ तो हमारी सैलरी लगभग 7.5 से 8 लाख रुपए जाती है। 8 लाख रुपए महीने में आपने 32 लोग रख लिए? हाँ सर। कहाँ पे रखे हैं भाई? कोलकाता में। वाह, बहुत ही बढ़िया। जो भी डिबेट हुई उसको इग्नोर करते हुए पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आपने एक प्रॉफिटेबल इंटरनेट बिजनेस बनाया जिसमें आपने 15 करोड़ रुपए नेट एबिटा कमाया साल का। बड़ी बड़ी कंपनीज जो हजारों करोड़ का रेवेन्यू कर रही है पर साल का हजारों करोड़ बर्न कर रही है। So I think you should be proud of that, yes, irrespective, we are. Right? We are actually. Okay, very good. अब आपका जो ये business गिर रहा है, ये क्यों गिर रहा है? हमारा जो पूरा model है, वो हम ads से shift करके subscription की तरफ heavy कर रहे हैं। हमारा target ही ये है कि हम next by 2024 लगभग 60% सब्सक्रिप्शन पे आएंगे, 40% ही ऐड रहेगा। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट ने आपको बोला है कि अगर ऐड बिजनेस है तो हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। नहीं सर, हम तो गए नहीं किसी के अभी पास। किसी के पास अगर गए नहीं। चलिए, मेरा डिसीजन बन गया है। टाइम स्पेंड ऐसी चीजों में बढ़ता ही जाएगा एंड ये बहुत एडिक्टिव है एंड आस्क है टोटल वो भी बहुत हाई है, तो मैं अभी आउट। ये जो आपने नंबर्स दिए कि प्रीवियसली प्री कोविड 9 मिनट्स था स्क्रीन टाइम एंड इट्स गॉन टू 60 मिनट्स और अभी 45 मिनट्स, दिस इज अ ट्रेजेडी। तो रादर देन एक्सेप्टिंग इट, हमें थोड़ा सा रिवर्स करना चाहिए एंड गो बैक टू द ओल्ड फैशनड वेज एंड सिंस फंडामेंटली आई डोंट बिलीव इन इट, आई एम आउट। हर देश में पाबंदी आ रही है बच्चों को एडवर्टाइज नहीं कर सकते के ऊपर, और इसीलिए आप जा रहे हो सब्सक्रिप्शन की। ठीक है, ठीक है, अग्रीड करना पड़ा कि अग्रीड 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 अग्रीड। अब आप खेलोगे इनके अगेंस्ट जो मैंने नाम लिए ऑलरेडी, जो मैं नहीं समझता हूं आज मैं देख रहा हूं क्षमता है कंपीट करने की। तो ये सब वजह से मैं आउट हूं। आपको क्या लगता है कि आपकी सबसे बड़ी अभी तक की गलती क्या हुई है? सर मैं गलती तो नहीं बोलूंगा बट शायद सीखने में हमने थोड़ी देर कर दी है। किस चीज? हमने 0 to 1 कर लिया, 1 to 10 कर लिया, लेकिन 10 to 100 कैसे करना है वहां हमें डिफिकल्टी आ रही है। और क्या लग रहा है आपको, क्या चाहिए 10 to 100 करने के लिए? हमें स्पेंड करना होगा मार्केट में, नाइट टीम बनानी होगी। हाँ, पर आप में DNA है वेल्थ शेयर करने का, टीम बनाने का? यस सर बिल्कुल है। आप किसी को 1 करोड़ की सैलरी दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। एक्चुअली वो लोग हमसे जुड़ना नहीं चाह रहे। हमने ऐसी सैलरी ऑफर भी करी है बट अब उसी का माइंडसेट ये है कि नहीं ये तो काफी नॉन ग्लैमरस। चलो मैंने डिसीजन बना लिया यार, मैं इससे बाहर हूँ।
मुझे फंडामेंटली लग रहा है कि काफी काम करना पड़ेगा आपके साथ कोच करने में टू हाउ टू बिल्ड अ कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ टू थिंक अबाउट पीपल. आपका बिजनेस अभी ऐसी स्टेज पे है कि इट्स इधर हीरो और जीरो इन द नेक्स्ट टू इयर्स, बट ग्रेट बिजनेस एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. मुझे ना पैशनेट एंटरप्रेन्योर्स बहुत पसंद है. आप लोग बहुत पैशनेट एंटरप्रेन्योर्स हैं. बट एक चीज और होती है, यू शुड बी वेरी पैशनेट बट पैरानॉइड अबाउट कॉम्पिटिशन. आई एम आउट फॉर दैट रीजन, बट यू आर नॉट पैरानॉइड अबाउट कॉम्पिटिशन. सो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस. गुड लक. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू गाइस. बाय. सीयर्स. टेक केयर. वो कुछ कहना चाहती है, बोल दीजिए, दिल की बात बोल दीजिए. मुझे ऐसा लगता था कि अगर आज आप लोग कुछ डील देते हमको तो हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत इजी हो जाता. इजी कभी नहीं होगा. द पाथ इज डिफिकल्ट. एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी हार्ड. आपको तय करना है आगे का सफर. आप तय करेंगे अगर आपको वक्त चाहिए, क्योंकि मैंने ये बिजनेस बनाया. मैं सबको नहीं कहता हूँ. आई एम हैप्पी टू गिव यू दैट एडवाइस एंड इनपुट. आप मुझसे बाहर मिलिए, साथ में बैठ के बात करेंगे. उसके बाद आप तय कीजिए आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है. ठीक है. ओके. बाय. थैंक यू. थैंक यू. गुड लक. मैं तो इन हो रहा था, मेरे को तो अनुपम, क्योंकि ही इज बिल्ट इंटरनेट बिजनेसेस, मेरे को लगा अगर ये आ जाते तो मैं तो जाने को तैयार भी था. आई वुड, आई रियली वांटेड हिम टू कम इन. आई वाज हैविंग डिफिकल्टी. मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था वेदर सौरभ इज कोचेबल टू इन्वेस्ट इन टीम. देखो, बच्चों के बड़े बड़े सपने होते हैं, बड़े बड़े पैशन होते हैं कि बड़ा पायलट बनूंगा, एक्टर बनूंगा, एस्ट्रोनॉट, डॉक्टर, कॉमेडियन, ये वो, है ना. लेकिन अहमदाबाद के सोहम पाठक का एकमात्र पैशन है अपनी माँ को अपने पैरों पर खड़े करना और उनका करियर सेट करना. शार्क्स, मेरा नाम पायल पाठक है. और मैं हूँ सोहम पायल पाठक. नमस्कार पायल. शार्क्स, मेरी पूरी जिंदगी मैंने वेट लॉस के लिए काफी स्ट्रगल किया है. जहाँ जाऊँ जिसको पूछा सब ने एक ही चीज बोला, सलाद खाओ वजन घटाओ. अब इतने बोरिंग सलाद रोज कैसे कोई खा पाएगा. सही बात है. सो मैंने मेरे लिए ओवर द टाइम हेल्दी डिलीशियस एंड क्रिएटिव सलाद बनाना सीख लिया. आजकल ना तो लोगों के पास टाइम है सलाद बनाने का, ना ही इतने क्रिएटिव ऑप्शंस अवेलेबल है. तो मैंने मेरे बेटे के साथ मिलकर स्टार्ट किया द सिंपली सलाद. द सिंपली सलाद एक अहमदाबाद का क्लाउड किचन है जो तरह तरह के हेल्दी, टेस्टी और क्रिएटिव सलाद्स आपके घर पे डिलीवर करता है. इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स, लो फैट और लो कार्ब्स है. हमने इसमें रखा है फ्रेशनेस को बरकरार और हमारे हर सलाद को हमने दिया है एक इंडियन टच. और साथ ही साथ हमने इसको अफोर्डेबल रखा है. और आप हमारे सलाद वीकली या मंथली सब्सक्रिप्शन के द्वारा मंगा सकते हैं या इसे स्विगी जोमैटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं. हमने इसकी शुरुआत 2020 अगस्त में की थी. तब से लेके आज तक में हमने एक छोटे से क्लाउड किचन में से 35,000 ऑर्डर्स फुलफिल किए हैं. और हम दिन के 80 से 90 ऑर्डर आसानी से डिलीवर करते हैं. और शार्क्स, ये नंबर तेजी से बढ़ रहा है. और हमारा ये फोकस है कि आज ये सलाद हर घर, हर शहर तक पहुंचे, लोग सलाद को ना ना कहे और खुश होके सलाद खाए. सो फॉर दैट हमारी आस्क है 30 लाख रुपीज फॉर 10% इक्विटी. मैं नॉर्मली बहुत एक्साइटेड होता हूँ कोई फूड पे चाहती है, बट आपको पता है सलाद देख के. पहले तो आपका शार्क टैंक में स्वागत है पायल जी. Thank और you. कभी पहले सुना नहीं है कि कोई बेटा अपनी मिडल नेम में मदर का नाम लगा रहा है. तो ये आपका डिसीजन था या पायल जी आपका डिसीजन था? ये मेरा डिसीजन था बिकॉज शी इज अ सिंगल मदर. ओवर द पीरियड शी हैज रेज्ड मी सिंगल हैंडेडली. जैसे मैं बड़ा हुआ मैंने सब देखा जर्नी एंड आई अंडरस्टूड दैट शी डिजर्व्स दैट माई नेम शुड हैव पायल. अब क्या उम्र है आपकी? 19 साल. अरे अरे, हैट्स ऑफ. तो पायल जी, थोड़ा अपनी कहानी बताइए कि ये सिंपली सैलेड कैसे बन गया? मैं एक
दोराजी करके राजकोट के पास एक सिटी है, वहाँ से हम लोग बेसिकली बिलोंग करते हैं। और मैंने एजुकेशन वाइज एमकॉम किया हुआ है और साथ ही साथ फ्रैंकलिन का केबिन क्रू का ट्रेनिंग भी लिया हुआ है। और मेरी शादी के बाद हम लोग अहमदाबाद शिफ्ट हुए और सोहम 2 साल का था जब डाइवोर्स फाइल हुआ था। अच्छा। भगवान की कृपा से फैसला हमारी तरफ आया और सोहम हमारे साथ था। 2 साल बाद जब मैं वापस अहमदाबाद आई, मैं ब्रिटिश एयरवेज में एज अ रिजर्वेशन काउंटर ऑफिसर थी। अच्छा। पर जॉब से बात नहीं बन रही थी तब। ये पीजी का बिजनेस अहमदाबाद में बहुत ट्रेंड में था तो सोचा कि चलो 4-5 लड़कियां रख लेते हैं तो थोड़ा सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाएगा और सोहम को भी थोड़ा, कभी मैं नहीं हुई तो थोड़ा सपोर्ट रहेगा। और पीजी का मतलब क्या है? पेइंग गेस्ट। अच्छा, पेइंग गेस्ट। जॉब मैंने छोड़ दिया था और पीजी के बिजनेस पे ही मैंने फोकस करना स्टार्ट कर दिया था। और ऐसे करते करते काफी, मतलब 150 लड़कियां थी मेरे पास बिफोर कोविड। पर लाइफ इज ऑलवेज अ रोलर कोस्टर, तो वापस कोविड आया तो लड़कियां सब चली गई और जो भी सेविंग था वो यूज किया। और वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे स्विगी जोमेटो काफी आ रहा था। बैचलर्स रह रहे थे क्योंकि फैमिली चली गई थी कोविड की वजह से घर, तो उनको फूड की जरूरत थी। तो मैंने और सोहम ने मिलकर सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा फूड दे कि जो मार्केट में हमारे कोई कॉम्पिटिटर ना हो, कुछ ऐसा अलग दे। जो भी मम्मा मेरे लिए बनाती थी वो सब हेल्दी रहता था और साथ ही साथ टेस्टी भी रहता था। जैसे जो अपना व्हाइट सॉस पास्ता होता है, दैट इज अनहेल्दी देखने जाए तो, मेयो रहता है एंड मैदे का पास्ता होता है। She used to make wheat pasta with hung curd. So I saw कि मम्मा के पास वो एक स्किल सेट है, तो why not give it a platform? तो तब हमने The Simply Salad की शुरुआत की। तो सोम, आपने आगे नहीं सोचा है, पढ़ाई नहीं करना आपको? नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ अभी। कहाँ पे? मैं सेकेंड ईयर अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में BBA ऑनर्स फाइनेंस इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ। और साथ साथ आप काम भी कर रहे हैं? Yes. Very good. तो आप लोग दोनों मिलके काम कैसे करते हो और सोहम को क्या बोलते हो पढ़ने को? मैं रेसिपी पार्ट संभालती हूँ, सुबह का जो भी काम होता है रेडी करने का और वो सब वो मैं संभालती हूँ। और जैसे अभी 50 कस्टमर है तो 3 ड्राइवर है, तो वो कौन से एरिया में कौन से कस्टमर जाएंगे वो सब काम सोहम का है। उसके अलावा फाइनेंस का काम सोहम देखता है, सोशल मीडिया का काम वो देखता है। बाकी जो कोई मैनेजर वैनेजर नहीं रखा हुआ अभी? नहीं। ये सैलेड हर शार्क तक पहुंचेगा कि नहीं? श्योर सर। मेरे को बिना दूध का चलेगा? दूध है नहीं, दूध किसी में नहीं है, पनीर है। मैं ये रख लेता हूँ, ये स्प्राउट बेल है, ये मैजिक सलाद है। वो मैजिक। और ये क्या चीज है पायल जी? ये मल्टीग्रेन मुरमुरा है। तेरी होता क्या है? मुरमुरा 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 मुड़ी। सैलेड इज वेरी गुड। क्रैनबेरी का फ्लेवर बहुत अच्छा है, रियल स्वीट टच। ये मुरमुरा डाल के एंड हरी चटनी डाल के, तो ये हरी चटनी है कि कुछ और रेसिपी? इसको देख, वाओ वाओ कर रहा है, खाता था मेरे साथ बैठ के जब तक। ये एक और है क्या? ए मुझे मुझे भी एक देना मामला। This is the best, this is a winner product. आपने सही बोला, I think आपकी मॉम का कुछ हेल्दी प्लस टेस्टी का जादू सच में आता है। इसमें एक हिडन इंग्रेडिएंट है, दैट इज हर लव। ओह दैट्स सो स्वीट, माँ का प्यार। ठीक है, अच्छा है। पायल जी, मैं आपका कस्टमर बन गया हूँ फॉर फोरसीएबल फ्यूचर। प्राइस बता दीजिए इसका कितना है बोल का आपका? ये अगर आप वीकली सब्सक्राइबर बनके मंगाएंगे तो 180 पर डे पड़ेगा। दैट्स नथिंग। और मंथली? 150। 180 तो महंगा है। नहीं है। एवरेज प्राइस ऑन स्विगी ज़ोमैटो इज 350 to 400 फॉर अ गुड सैलेड। तो अपना बिजनेस मॉडल समझा दीजिए। तो जो वीकली मंथली सब्सक्राइबर्स का टोटल है दैट इज 50 आउट ऑफ 80। अच्छा। एंड जो स्विगी जोमैटो है वो कभी 30 रहता है, कभी 35 रहता है, तो वो ऊपर नीचे।
That is our bifurcation 64%, 36%. और revenue कितना है दोनों का combined per month? Per month 4,42,000. अच्छा. और इसमें margin भी अच्छा खासा होगा? Yes. So gross is 64% and net is 47%. तो आपके घर में बच गया 2,00,000 रुपया महीने का. Yes. ठीक है? Yes. Wow. Thank you. That's great. और आपको इतनी knowledge है. जरा ये बात समझाइए कि what is your market business plan? पहले तो बात करती है radius की. तो अहमदाबाद में अभी द सिंपली सैलेड कवर्स 35-40%. तो हम दो आउटलेट्स एक तो सेटअप करना चाहते हैं इन द गोता एरिया एंड वन मोर इन शाहीबाग एरिया. देन वी कैन कवर द होल ऑफ अहमदाबाद वेयर देयर इज द टारगेट ऑडियंस ऑफ सैलेड. यहां पे हमें तो 3x हो जाएगा आपका बिजनेस. ठीक है, फिर आगे जैसे हमारा मार्केटिंग कॉस्ट अभी तक कुछ नहीं रहा है और वो इंस्टाग्राम प्रमोशन में मैं मम्मा को बोलता था कि मुझे मंथ के 4,000-5,000 दे दो, मैं उसमें प्रमोशन में ही यूज करूंगा और वहां से ऑर्डर ले आऊंगा. ये ऑर्गेनिकली ग्रो हो रहा है. ऑर्गेनिकली, यस. वर्ड ऑफ माउथ. यस. विनीता, देखिए अगर एक डेफिनेशन दिया जाए आपके बिजनेस को, आज की तारीख में ये प्राइमरली एक सैलेड टिफिन सर्विस है. ठीक है, सब्सक्रिप्शन वगैरह फैंसी नेम्स हो गए आजकल, बट इट्स अ टिफिन सर्विस. ठीक है, और स्विगी और जोमैटो से थोड़ा बहुत इनकम आ रहा है. तो मैं दोनों से अलग अलग सुनना चाहता हूँ, आप एंड में क्या चाहते हो? इसका आंसर मैं थोड़ा डिफरेंट वे में आपको दूंगी. मुझे कोई पूछता है कि आपका इन्वेस्टमेंट क्या है या तो आपका सेविंग क्या है, तो मैं बोलती हूँ कि ये है. हाँ जी, बहुत अच्छा. तो मुझे इसको मतलब ये एक अच्छी जगह पे पहुंचे उतना ही मुझे. और आपके लिए अच्छी जगह क्या होगी? कितने पैसे कमाना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट विद इन 5 years मंथली हमें अराउंड 50-60 lakh का सेल अर्निंग दे. साल का 6 crore का सेल हो. यस यस, ये टॉप रेटेड सैलेड आउटलेट बन जाए इंडिया का और इसकी चेन. मुझे लगता है कि आपको इसको एक्सपैंड करना है, बड़े नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है. आपको कोई एक बिजनेस मैनेजर रखना पड़ेगा, उसको भी शेयर्स देने पड़ेंगे थोड़े से, सो दैट उसका भी बेस्ट इंटरेस्ट हो इसको ग्रो करने का. ठीक है, इट कैन बिकम अ बिग बिजनेस. सो मैं और विनीता आप कुछ बोलेंगे और ऑफर देंगे. चमत्कार हो गया, बटर चिकन वाला सैलेड की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, सचमुच चमत्कार है. धंधा धंधा है क्या? तो पायल जी, एक एंटरप्रेन्योर की सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या होती है आपके हिसाब से? कंसिस्टेंसी, लगे रहो कुछ भी हो जाए. एब्सोल्युटली, हिम्मत मत हारो कभी भी. इसको ग्रिट कहते हैं. यू नो स्टडीज बोलती हैं कि मदर्स जो होती हैं वो बहुत स्ट्रांग एंड ग्रिटी होती है. उसमें सिंगल मॉम्स की ग्रिट कुछ और ही लेवल का होता है. एंड आई थिंक आप लोग अभी बहुत छोटा सोच रहे हो, 5-6 crore, ये बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है. मैं और अमन आपको ऑफर देना चाहते हैं एग्जैक्टली जो आपने मांगा था, 30 lakhs for 10%, अमन 5%, मैं 5%, हम साथ में आएंगे. सो हम आपकी स्माइल देख के दिल खुश हो गया. ये द बिगेस्ट स्माइल. आई जस्ट मतलब मम्मा की जो भी पूरी मेहनत है वो आज रंग रहा है. देखिए आपकी मम्मा में ग्रिट है और आप में ग्रेटिट्यूड है, ये जो कॉम्बिनेशन है ना. हाँ, और तीसरा जी गुप्ता मैं हूँ. चलिए एक ऑफर आपके पास आ गया है. Yes. नमिता और अनुपम आपने क्या सोचा है? मैं आउट हूँ लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आपको आज इतना अच्छा ऑफर मिला है, बिकॉज आपको ब्रांडिंग कंज्यूमर इनसाइट्स की बहुत जरूरत है. यू कांट गेट बेटर इन्वेस्टर्स देन विनीता एंड अमन एज अ कॉम्बो, क्योंकि आप लोग डिजर्व करते हैं. थैंक यू. थैंक यू मैम. चलिए मेरा नजरिया भी शेयर कर देता हूँ. थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा नॉट जो इंटरनेट पे दिख गया या सुपरफिशियल. थोड़ा डीप जाइए, हेल्थ और न्यूट्रिशन में स्टडी कीजिए. ओके. तो उसको समझिए, परखिए, उसमें डीप घुस जाइए और आगे जाके आप शायद पूरी मील सर्विसेज भी बना सकते हैं बेस्ड जस्ट ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. जिस तरह से आपने समझाया कि आपका सपना क्या है, आपको 5-6 crore 4-5 साल में बनाने हैं, तो मुझे नहीं लगता है उसके लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत. आप यहाँ तक पहुँच गए, वो करते करते वहाँ तक भी पहुँच जाए. और इन्वेस्टमेंट जब लेता है ना आदमी, तो कंपनी की दिशा थोड़ी अलग हो जाती है, चाहे किसी से भी. तो इसलिए मैं आज आउट हूँ, लेकिन गुड लक टू यू, व्हाटएवर पाथ यू चूज. यहाँ पे बहुत बिजनेसेस आते हैं, हम सबको यही बोलते हैं इंडिया में सब्सक्रिप्शन नहीं चलता.
आप एक पहली कंपनी आए हो जो बोल रहा है कि मेरा 60% बिजनेस सब्सक्रिप्शन है। आई थिंक आपको उसी पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज अगर आपको स्केल करना है आप शायद इसको डिसरप्ट कर लेंगे। मैं भी इससे बाहर होता हूँ, अगर आप इन ये ऑफर नहीं देते तो मैं आपको ऑफर दे देता, बट आई थिंक दिस इज अ गुड ऑफर एंड दे बोथ आर वेरी केपेबल टू हेल्प यू। थैंक्स फॉर द रिकमेंडेशन। आपको याद है इसके विनीता के दो जी कौन से थे? यस, ग्रेट एंड ग्रेटिट्यूड, और तीसरा जी गुप्ता भाई, और चौथा जी बताऊं ज्ञान। बंद करवा धंधा करते स्टार्ट। तो आप डील डन? डील डन। Man, what a guy you are. Let's build it up, man. Young entrepreneurs need to be supported. Here, thank you so much. Thank you. शार्क्स हार्ट एंड लंग डिजीजेस इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में टॉप टू किलर्स है। yes, true. जैसे छोटे बच्चे के दिल में चेत होना, बुजुर्गों के हार्ट वैल्व्स में इश्यूज होना, जैसे एस्थमा, COPD, इन सारे डिजीजेस में हार्ट एंड लंग साउंड अबनॉर्मल आते हैं और डॉक्टर्स ये साउंड्स और सिम्टम्स के मदद से ये डिजीज का पता करते हैं, लेकिन ये साउंड सुनना उतना आसान नहीं है। आज भी 200 साल पुराने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके बड़े मुश्किल से ये साउंड सुनते हैं। वो है गेनास्टेथोस्कोप। टूथपेस्ट के एड से लेकर सारे क्लिनिक्स तक डॉक्टर का पहचान स्टेथोस्कोप से होती है। That's a good point. That's funny. उस स्टेथोस्कोप नहीं लगा तब तक डॉक्टर का फील नहीं आता है। लाइक मुन्ना भाई MBBS। तो शाक्स आप ही बताएं, पिछले 200 सालों में टेक्नोलॉजी बड़ा ग्रामोफोन से लेकर बोर्ड के एयरपोर्ट तक इतना आगे बढ़ चुकी है, लेकिन स्टेथोस्कोप वहीं के वहीं क्यों? इसलिए 200 साल का पेंडिंग अपग्रेड लेके आए हैं, प्रेजेंटिंग आयु सिंह। शार्क्स, मैं हूँ आदर्श फ्रॉम चिकमगलूर कर्नाटका। नमस्ते शार्क, मेरा नाम तपस है, मैं देहरादून से हूँ। नमस्ते शार्क, मैं हूँ वरद मुंबई से। ये एक नॉर्मल स्टेथोस्कोप है, हमको क्या करना है, सिर्फ चेस्ट पीस रिमूव करना है ऐसे, और ये हमारा डिवाइस है आयु सिंह, ये अटैच करना है। तो देखिए 2 मिनट में कोई भी स्टेथोस्कोप बन गया है डिजिटल स्टेथोस्कोप। इससे हम बैकग्राउंड नॉइज रिमूव कर सकते हैं, साथ ही साथ डॉक्टर साउंड को बहुत बेहतर तरीके से सुन और देख भी सकते हैं। इतना ही नहीं, आप इस डेटा को लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं। मुंबई का कोई डॉक्टर देहरादून के किसी गांव के पेशेंट को भी चेक कर सकता है। हमारे डिवाइस को US पेटेंट भी ग्रांट हो चुका है। शार्क्स, हमारे विजन है कि हम ये टेक्नोलॉजी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा कर सारे रेगुलर स्टेथोस्कोप को डिजिटल अपग्रेड दे। इसके लिए हमारा आस्क है 1 crore rupees इन एक्सचेंज ऑफ 1.5% इक्विटी। वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 2। या मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि पेशेंट को टच किए बगैर आप बॉम्बे से देहरादून का पेशेंट कैसे चेक कर सकते हैं, वो मुझे देखना है। सो दिस इज अ डिवाइस और इसमें 2 मोड हैं, हार्ट और लंग मोड। हार्ट मोड इस कलर से रिप्रेजेंट होता है, रेड। ओके, एंड इसमें एक फीचर है डबल टैप, जिससे हम लंग मोड भी सुन सकते हैं। मैं पीयूष को बुलाना चाहूंगा, आप यहाँ पे आके मेरी दिल की धड़कन सुनना चाहेंगे पीयूष? बिल्कुल यार। भाई अपनी दिल की धड़कन सुनानी थी, एक लड़की को बुला लेते। पीयूष को क्यों सुना रहे? आपको मेरी हार्ट बीट और साथ में नॉर्मल मोड है, मेरी आजू-बाजू की आवाजें भी आपको सुनाई देंगी, वो भी आएगी अभी। अभी आपकी हार्ट बीट सुन रही है? हार्ट बीट है और अब मैं बात कर रहा हूँ उसमें से भी थोड़ा आपको आ रहा होगा। अब अभी मैं इसमें हार्ट मोड लगाता हूँ। अब देखिए, अब मैं बात करूंगा तो वो आवाज आपको नहीं आएगी, पहले जो आ रही थी। आपकी भी आ रही है पर ये थोड़ा स्ट्रॉन्गर आ रही है। और लंग्स वाला क्या है? वो आपका सांस का आवाज है। सांस का आवाज है। तो नॉर्मल स्टेथोस्कोप में भी आता है पर क्लियर आ रहा है। क्लियर आ रहा है।
सपोज करिए आप ऐसे गांव में हैं और आपको कुछ हार्ट की दिक्कत है और आपको कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना है, उसके लिए हमारी ऐप है जिसके थ्रू ये सारा आप कोई भी बड़े जगह है वहाँ पे साउंड भेज सकते हैं। तो इसमें रिकॉर्डिंग मोड है। ये क्या हो गया भाई, ये लाल क्यों आ रहा है उनके हार्ट में? वो जब रिकॉर्ड होता है हमने इंडिकेशन के लिए लाल लिखा है। अच्छा ऐसा। ब्लूटूथ है इसमें जिसके थ्रू सारा डेटा यहाँ से इसमें जाता है। बॉटम लाइन इस गांव के डॉक्टर के पास आपका डिवाइस होना चाहिए। yes. वो डेटा ये ऐप से एक शहर के डॉक्टर के पास जाएगा। यस यस यस। वो एनालाइज करके गांव के डॉक्टर को बता सकता है। बता सकता है। That's how it happens. और अलग अलग पोजीशन में रखना पड़ता है। yes, yes, yes. जो पोजीशन आप फोटो में दिखाते हैं। yes. बढ़िया। हार्ट में 4 लोकेशन है, लंग्स में 18 लोकेशन है। तो पता होना चाहिए कि कौन सा लोकेशन का साउंड है। ये कहीं दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, अभी तक किसने किया नहीं। डिजिटल स्टेथोस्कोप ऑलरेडी दुनिया में एग्जिस्टिंग है। ओके, द डिफरेंस इज इंडिया में इंडियन कॉन्टेक्स्ट अलग है। कॉन्टेक्स्ट क्या अलग है? दिल तो दिल ही है। क्या है, इंडिया में एक पेशेंट को देखने के लिए डॉक्टर के पास टाइम नहीं रहता है। सही है। इसके जरिए डॉक्टर का टाइम टू गेट द डायग्नोसिस भी कम है। तो जो चीज है, एक है रिमोट टेलीऑस्कल्टेशन, दूसरा विद इन क्लिनिक भी क्या है, डॉक्टर को अभी सुनते हैं लेकिन उसका फोनोकार्डियोग्राफी कुछ नहीं है डेटा। ओके, हमारे पास डेटा भी, हम दिखाने भी चाहते हैं, एक 5-year-old कंजेनिटल हार्ट डिजीज का साउंड है। ये देखिए, अब किसी के हार्ट में छेद है तो ऐसी साउंड आती है। तो आपका डिवाइस डॉक्टर को गाइड करता है और इसमें डॉक्टर को हेल्प करता है, तो वो इनपुट लेके उनका डिसीजन भी अलग हो सकता है। अंडरस्टूड। और ये प्रोडक्ट आप दिखा दोगे? श्योर श्योर। ये कौन सा है? ये 2+ है। ये अलग अलग मॉडल्स है क्या? आई मीन वर्जन्स, फीचर्स, वर्जन्स अलग है। हाँ, वर्जन्स अलग है। और सीईओ आप हैं? करेक्ट। और आप दोनों? ये हेड ऑफ हार्डवेयर है, मैं हेड ऑफ सॉफ्टवेयर एंड एनालिटिक्स हूं। और इक्विटी स्ट्रक्चर का स्प्लिट 43-32-20। वेरी गुड, नाइस। रिमेनिंग वी हैव 1% फॉर द वेंटर इन आईटी बॉम्बे। चलिए एक बात समझाइए, एक सवाल है। आज का जो डॉक्टर है, जो फुल फ्लेज्ड प्रैक्टिस है, वो कहाँ से खरीदता है स्टेथोस्कोप? खुद खरीदता है या उसे कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी गिफ्ट करती है? दोनों होता है सर। कितना खुद खरीदते हैं और कितना फार्मास्यूटिकल कंपनीज गिफ्ट करती हैं? वो डेटा क्योंकि हमें नहीं पता सर। अच्छा, स्टेथोस्कोप का मार्केट साइज इन इंडिया अराउंड 25 लाख डॉक्टर्स है, फिर 95,000 मेडिकल स्टूडेंट्स हर साल ग्रेजुएट होते हैं। ठीक है, मार्केट साइज बता दो ना वैल्यू में। हाँ, 25 लाख x 5,000। हर साल थोड़ी खरीदते हैं यार। डिवाइड बाय 5, दैट इज 5 इयर्स, वंस इन 5 इयर्स ये चेंज हो जाता है। ठीक है, थैंक यू। तो मतलब 250 करोड़ जितना। उसका प्राइसिंग क्या है? नॉट एमआरपी बट प्राइस टू कस्टमर 12,000। और आपको बनाने में कितना जाता है कॉस्ट टू मेक? 55% मार्जिन। और अभी सेल कितना हो गया? अभी 5,000 से ऊपर हुआ है। लास्ट मंथ कितना सेल हुआ है? 32 लाख का ये हुआ, उसके जस्ट बिफोर 2.4 सीआर का रेवेन्यू आया उसमें। इस साल अप्रैल से लेके अभी तक का कितना रेवेन्यू हो गया? अराउंड 3 करोड़। पूरे साल में कितना होगा रेवेन्यू? अभी 7 करोड़। ओके, आपका इस साल एबिटा कितना होगा? नेट एबिटा 18%। तो 1.5 करोड़ का एबिटा होगा। Considering existing sales, अगर हमें प्राइस और भी कम करके अगर हम पुश करते हैं तो 1 करोड़। मेरा एक रैपिड फायर है, मैं 4-5 क्वेश्चंस पूछूंगी। 1-1-2-2। अरे 1 मिनट। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने जो ये 5,000 डिवाइसेस बेचे हैं, वो किसको बेचे? उसमें 90% टेलीमेडिसिन कंपनीज है, 10% B2C डॉक्टर्स है। ओके, जब आपने B2C डॉक्टर्स को बेचे तो फीडबैक क्या था? इनिशियली फीडबैक्स वाज नॉट रियली ग्रेट बिकॉज अडॉप्शन चेंजेस आर देयर। उसके बाद हमने ओवरकम करके अभी पीपल आर गेटिंग हार्ट साउंड के लिए 9 out of 10, लंग साउंड के लिए 7 out of 10। आपके पास कितने वर्जन्स हैं? 3 वर्जन्स हैं। और ये 5,000 जो बिके वो कौन से वर्जन के बिके? मेजर है और मिड वर्जन्स। फंडिंग का क्या करेंगे? कंपोनेंट्स पहले मंगाना पड़ता है, वो 3-4 months के पहले, उसके बाद हम डिवाइस बना के देन वी विल गिव, वो एक चैलेंज है। तो आप उसे रॉ मटेरियल खरीदेंगे? करेक्ट। मेरे लिए यू नो ये फंडामेंटली एक B2B बिजनेस है, जो जहाँ यू नो डॉक्टर्स
एंड हॉस्पिटल्स आपका कोर मार्केट होगा. ये मेरी स्पेशलाइजेशन नहीं है तो मैं इससे अभी आउट होना चाहूंगा. और मैं भी आपकी हेल्प कर देता हूँ. मेरे को लग रहा है प्राइस थोड़ा हाई है. थोड़ा नहीं, बहुत हाई है. एमआरपी जो आपने देखा कितने पे बेचते हो आप नॉर्मली? नॉर्मली वो होते हैं 13,000-14,000. वो भी हाई है. एक ना मास अडॉप्शन की तरफ लेके जाना है ना, तो उससे आपकी अडॉप्शन बहुत तेज हो जाएगी. और अगर थोड़े डॉक्टर्स यूज करना शुरू करेंगे ना, तो देखा देखी बाकी डॉक्टर्स भी कर देंगे. उसके लिए फंड चाहिए सर. वही हाँ, समझ गया. बट उसकी तरफ मूव करो, वो मेरी एडवाइस होगी. अभी इसके लिए मैं आऊँ. आप इनोवेशन तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ये एक सोल्यूशन है जो प्रॉब्लम ढूंढ रहा है. मुझे मार्केट थोड़ा छोटा लग रहा है, और मुझे ये भी लगता है कि डॉक्टर्स आर वेरी रेजिस्टेंट टू चेंज, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है हैबिट बदलने में. और ये जो मेरे बगल में बैठी है ना, ये मेडिकल ड्रैगन है. तो मेडिकल की कोई भी बिजनेस आती है ना, तो मेरे जवाब छोड़ो, मेरे को बात करने को नहीं मिलता. तो इस वजह से आप ये देवी से बात कीजिए, फार्मा से. ये जो कहेगी. तुम कितने ड्रामेबाज हो. ठीक है, ये दिन ब दिन ना और ड्रामेबाज. मुझे माफ कीजिए. आई एम आउट. थैंक यू. आपको एक फ्लाई ऑफर देता हूं. 50 लाख फॉर 5% इक्विटी एंड 50 लाख इन डेट एट 12% इंटरेस्ट. और अगर नमिता आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आई विल बी मोर देन हेल्पफुल, बिकॉज आई थिंक दे कैन यूज योर हेल्प. वैसे तो मैं डॉल्फिन हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट जब एक अच्छी हेल्थ के डील्स आती है ना, मेरे अंदर का शार्क बाहर निकल आ जाता है. तो ये डील मैं करूंगी तो सोलो करूंगी. करो करो. बिकॉज आई नीड अ हायर स्टेक एंड आई विल टेल यू व्हाई. इसमें तीन एरियाज में स्पेशली बहुत काम. फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको कम करना है और प्राइसिंग कम करना है. तो सेकंड पॉइंट इज आपको एक स्ट्रॉन्ग टीम बनानी है, सेल्स टीम, बिजनेस डेवलपमेंट टीम. एंड देन ऑफ कोर्स द थर्ड इज इसके लिए एक बहुत एजुकेशन अवेयरनेस की जरूरत है. एंड ये बहुत बहुत बड़ा मार्केट है, यू नो दैट. तो मैं आपको ऑफर देती हूँ 50 लाख फॉर 4% एंड 50 लाख इन डेट एट 10% इंटरेस्ट. But the point is, I need some skin in the game, because इसमें अगर मैं इतना काम करूंगी तो 4% is nothing. चलिए दो ऑफर है आपके पास, आपको क्या करना है डिसाइड कीजिए, बाहर जाइए, बात कीजिए. Let us know, quick. Oh my God. बहुत दिनों बाद हेल्थ केयर डील आई है, और हेल्थ केयर डील देख के मैं पागल हो जाती हूँ. फिर मुझे किसी के साथ शेयर ही नहीं करना है. चलिए गाइस, वेलकम बैक. क्या डिसाइड किया, डील लेके जाएंगे कि नहीं? शख्स थैंक यू फॉर द ऑफर. एक काउंटर ऑफर है फॉर 3.5%. क्यों, मतलब 0.5 का क्या लॉजिक है? From because वो point पे भी हमें बहुत फर्क पड़ता है. दे दो ना मिता, दे दो. ठीक है, चलो, done. I like to keep my founders happy. Thank you. Well done. अभी एक काम कीजिए. It's a great product. लेके जाओ इनको check के साथ. Lovely. We'll make this big. Very, very good product. Guys, and I think you've done a good job. Thank you. आइए देखते हैं शार्क एक्सपीरियंस. पीयूष नई दिल्ली से राहुल आपसे पूछना चाहते हैं कि आप टेक्नोलॉजी को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, आपके हिसाब से एक बिजनेस को बड़ा बनाने में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? मेरे पर्सनल व्यू में तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है. चाहे आप सब्जी बेचें, चाहे आप कंप्यूटर बनाएं, बिना टेक्नोलॉजी के दुनिया नहीं बदल सकती. मैं आपको लेंसकार्ट का एग्जांपल देता हूँ. हमें बदलना था लोग जैसे चश्मे ट्राई करते हैं, तो हमने वर्चुअल एआर एक्सपीरियंस बनाया. बिना टेक्नोलॉजी के ये पॉसिबल ही नहीं है. तो बॉस, फ्यूचर इज टेक. टेक इज नॉट द सॉल्यूशन, टेक इज अ मींस टू एन एंड.
an end to a better quality of life, an end to doing the impossible. So technology, you have to embrace, learn, and that is the future, boss.